क्या आपको पता है सुख और दुख जो होते हैं वो एक पहिए के दो पहलू होते हैं, पता है ना। अभी हम महसूस कर रहे हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, हम बहुत सुख में, आज हम बहुत खुश हैं, है ना। अचानक से ऐसा कुछ होता है कि आपका मन दुखी हो जाता है, या सामने वाला कुछ ऐसा कर देता है, आपको गुस्सा आ जाता है बहुत ही ज़्यादा, और आप दुखी हो जाते हैं, है ना। हुआ है ना ऐसा आपके साथ? हाँ, क्योंकि सुख और दुख जो है ना वो आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हमारा मन या दिल जब दुखी होता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले, जब भी आपको गुस्सा आए या फिर आपका मन बहुत ही दुखी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना ध्यान वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगाना चाहिए। जो भी काम आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, घर के काम अच्छे लगते हैं, या फिर मैगजीन वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पर अपना ध्यान लगाइए। आपका जो दुख है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ से हटकर दूसरी जगह लग जाएगा। होता है ना, जब बच्चे हमारे होते हैं ना, शैतानी करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को अपनी बातों में उलझा लेते हैं, जिससे उनका वहाँ से ध्यान हटकर दूसरी जगह लग जाए। होता है ना, एक बच्चे जैसे शैतानी कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, तो वहाँ से हम हटा के, बच्चा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना, दूसरी जगह उनका दिमाग लगा लेते हैं, ये वाला टॉयस देखो ये कितना अच्छा है, तो वो बच्चा वो छोड़ कर ना उसमें लग जाता है ना। ऐसे ही हम लोग होते हैं, हमारा मन अगर दुखी होता है ना, तो उसको छोड़ कर हम दूसरे काम में अगर अपना दिमाग लगा लेंगे, अपना मन लगा लेंगे, तो जो हमें दुख है ना, वो हमारा दुख कम हो जाएगा, और हमारा दुख वहाँ से हटकर, वहाँ से ध्यान हटकर हमारा दूसरी जगह लग जाएगा, तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट, हमारा दूसरे लोगों से बात हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम सभी की लाइफ में एक ना एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जिससे हम अपने दिल की सारी बातें करते हैं, है ना। हमें क्या दुख है, क्या सुख है, क्या हुआ हमारे साथ, हम लोग उससे सारी बातें शेयर करते हैं ना। माना कि हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें करना चाहिए। जब भी हम किसी बहुत दुखी होते हैं, तो आप अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के साथ भी अपना दुख जरूर शेयर करें। दुख जो होता है ना, अगर हम किसी दूसरे के सामने बताते हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन भी बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे, वो हमें सिंपैथी देता है, तो हमें बहुत तसल्ली होती है। इसलिए जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, गुस्सा हो आप, तो अपनी जो चीज़ है ना, वो दूसरे के साथ शेयर जरूर करिए। आपको लगता है कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये मुझे समझेगा, तो उसके साथ अपनी चीज़ें जरूर शेयर करिए। और कहते हैं ना, जब तक हम अपना दुख किसी दूसरे के साथ बांटेंगे नहीं, तब तक हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, घुटते रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी खराब होगी, है ना। तो हमें अपनी जो भी बात है किसी दूसरे के सामने जरूर बतानी चाहिए। इससे क्या होगा, वो हमें समझाएगा, हमें खुशी भी महसूस कराएगा, है ना। फिर ऐसे ही होता है, फिर अपना दुख भूल जाते हैं और उसी चीज़ में लग जाते हैं जो भी वो हमें समझाता है, क्योंकि मुझको भी हमें समझाएगा तो अच्छा ही समझाएगा ना। तो अपना दुख जरूर दूसरों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं, जो भी आपको लगता है हाँ ये अच्छे हैं, मुझे समझते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिए। अपने अच्छे और खूबसूरत पलों को जरूर याद कीजिए। जब भी आपका मन दुखी होता है ना, तो आप अपने जो भी खूबसूरत से पल हैं, जो आप जिसमें आपने बहुत इंजॉय किए, उनको जरूर याद करिए। इससे आपको बहुत खुशी होगी, और वो बातें, वो यादें जो आपको खुशी का एहसास दिलाएं, जिससे आप हंसते हैं, जिसको सोच कर आप हंसते हैं, उन बातों को आप जरूर याद करिए। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, जो भी आपका दुख है वो कम होगा। हमें हमेशा अपने अच्छे पलों को याद जरूर करना चाहिए। कितना भी हमारा बुरा टाइम चल रहा हो, कितना भी हम दुखी हों, लेकिन हमें हमारे अच्छे पलों को जरूर याद करना चाहिए। इससे हमें जो खुशी होती है ना, जो हमारा दुख कम होता है ना, वो हम ही समझ सकते हैं। जब भी हम बहुत दुखी होते हैं, तो हम अक्सर अपने पुराने बीते हुए पलों की याद करते हैं, जो भी हमने अच्छे से काटे हैं, है ना। और सुख दुख का क्या है, आते जाते रहते हैं। ऐसे अगर हम दिल अपना दुखी करेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। मन हमारा भारी होगा, परेशान होगी, हमारी हेल्थ खराब होगी, किसे नुकसान तो हमें ही पहुँचेगा ना। तो पुराने पलों को याद करिए, जो जो आपने अच्छा समय बिताया है ना, उसको याद करिए, दुख को अपना साइड में रख दीजिए। तो ये तो पता ही होगा ना कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो जब भी आपका दिल दुखी हो, तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। बहुत ही ज़्यादा, बहुत 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 अच्छा होता है ये करना। इसलिए हम लोगों को मेडिटेशन और एक्सरसाइज डेली जरूर करनी चाहिए। उससे हमारा दुख होता है, जो हमारी तकलीफ होती है ना, बहुत कम होती है। जब भी आपका मन दुखी हो या आपका दिल दुखी हो, तो आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज का सहारा लेना है, जिससे उस समय आपके जो भी
प्रॉब्लम चल रही है, जो भी गुस्सा या फिर जो भी आपको दुख है ना, तो वहाँ से वो ध्यान हट जाएगा और आपका मन एकाग्र का अनुभव करेगा। और वैसे भी ये हमने ये हजारों और सैकड़ों लोगों से सुनते हुए आए हैं ना कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से हमें आत्मबल और अपनी इच्छा को काबू करने की शक्ति मिलती है, हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर पाते हैं और हमें मानसिक और सात्विक दोनों शक्तियों का अनुभव होता है। और अंत में ये सब बातें आपको पॉजिटिव ही फील कराती हैं, जो दुख और हमारी गुस्सा से लड़ने में हेल्प करता है ना। अपना ज़्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ बिताएं। अगर आपको बहुत दुख है तो आप अपने समय जो अपने दोस्तों के साथ भी बिता सकते हैं। दोस्तों के साथ होता है ना अक्सर कि हम बहुत खुश रहते हैं दोस्तों के साथ, जो भी हमारा दुख होता है उसको हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ जीने का मज़ा ही अलग होता है ना, हम सब जानते हैं। तो जब भी आपको लगे आप दुखी हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, तो आप अपना जो समय है ज़्यादातर अपनी फैमिली वालों के साथ बिताएं और अपने दोस्तों के साथ। जो भी इंसान आपको खुशी देता है आप उसके पास जाइए, वो आपको समझाएगा, आपकी बात को समझेगा और आपका जो मन दुखी है ना, जो भारी मन है, उसको भी आप फील करेंगे कि हाँ अब मेरा मन बहुत अच्छा हो गया, बहुत हल्का है। तो ज़्यादातर ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताएं और अपने दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी आपका मन दुखी हो तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और वैसे भी ज़्यादा मन को दुखी मत करिए, ज़्यादा हमारा मन भारी रहेगा तो इससे हमारी हेल्थ ही ख़राब होगी, अपनी सारी चीज़ें हम ख़राब कर लेंगे, हमारा जो भी रूटीन है वो सारा ख़राब हो जाएगा अगर हमारा दिमाग, अगर हम दुखी हैं तो, क्योंकि हमारा मन कहीं लगेगा ही नहीं, हम दुखी ही बनेंगे, अपने दुख को लेके ही बैठे रहेंगे, उसी को रोते रहेंगे बैठे बैठे, है ना। होता है तो अपने दुख को कम कीजिए, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं अपने दुख को कम करने के लिए। आप भी दुखी होते हैं ना तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में करके देखिए, आप सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे।